क्या आप पुणे आ चुके हो? यदि नहीं आए हो और पुणे आपको आना है जॉब सर्च करने के लिए, आने का आपने प्लान बना लिया है, तो अभी कमेंट करो, वीडियो देखते देखते कमेंट करो कि आप किस डेट में पुणे आने वाले हो, क्योंकि आपके लिए मैं हेल्प करूंगा आपको जॉब दिलाने के लिए पुणे में। और जो लोग अभी पुणे में हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि मैं ढूंढ ढूंढ के काफ़ी ज़्यादा ढूंढा और ऐसे 5 कंपनी लेकर के आया हूँ आपके सामने इस वीडियो में, जहाँ पे एनी टाइम एनी मौसम एनी सिचुएशन हमेशा ऑन रोल जॉब मिलती है, ऑन रोल हायरिंग होती है इन सब कंपनियों में। तो जिनकी क्वालिफिकेशन डिप्लोमा है तो DET पोस्ट, जिनकी क्वालिफिकेशन BTech है तो उनकी यहाँ पे GET पोस्ट मिलने वाली है। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है। तो वीडियो, जो लोग भी वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को सबसे पहले लाइक करो, और नए लोग हो हमारे चैनल पे तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं 5 ऐसी कंपनी पुणे की, जहाँ पे एनी टाइम जब भी हायरिंग होती है तो ऑन रोल पोस्ट पे ही जॉब्स मिलती है लोगों को, चाहे आपकी क्वालिफिकेशन डिप्लोमा हो BTech हो। डिप्लोमा वाले को यहाँ पे DET पोस्ट मिलता है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग। इसके बाद आपकी जो पोस्ट होगी 1 साल कंप्लीट होने के बाद आपकी प्रोविजनल होगी, उसके बाद कंफर्मेशन। और BTech वाले को यहाँ पे GET पोस्ट मतलब ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग, उसके बाद 6 महीने की आपकी प्रोविजनल होगी, उसके बाद आप परमानेंट होंगे यदि आपका वहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छा होता है। तो इन कंपनियों में आपको बस कैंटीन PF सब कुछ मिलेगा, ऑन रोल फैसिलिटी मिलेगी, सब कुछ। अभी का जो सिचुएशन चल रहा है मार्केट में, हर जगह आप कहीं भी जाओगे तो आपको कहीं भी ऑन रोल जॉब्स बहुत ही मुश्किल से मिलती है। यदि आप किसी कंसल्टेंसी के पास जाते हो, उनको तो काफ़ी आइडिया होता है, इतने टाइम से वो लोग बिजनेस कर रहे, उनके पास उनके क्लाइंट्स होते हैं, तो आपको आसानी से कुछ ही होती है जेन्युइन कंसल्टेंसी जो आपको जॉब लगा के देती है। बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंसी होते हैं जो आपसे सिर्फ पैसे लेते। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अपने लिस्ट में जो हमारी पहली कंपनी है, इस कंपनी के बारे में मैंने पहले भी बात किया है और बहुत सारे कैंडिडेट वहाँ पे जॉब कर रहे, तो इस कंपनी का नाम है अस्पाइको टेक्नोलॉजीज। मैं यहाँ पे फोटो लगा दूंगा, आप देख लेना। ये जो कंपनी है ये है भोसरी MIDC के अंदर। यहाँ पे डाईकास्टिंग और CNC वर्क होता है। डाईकास्टिंग का मतलब होता है प्रेशर डाईकास्टिंग, HPDC हाई प्रेशर डाईकास्टिंग। यहाँ पे CNC का भी काम होता है। तो ये ज़्यादातर कंपनी में प्रोडक्शंस के लिए ही रिक्वायरमेंट्स होती है, उसके बाद क्वालिटी के लिए। जिनका क्वालिफिकेशन डिप्लोमा और BTech है तो इस कंपनी में जा सकते हो, हर दिन रिक्वायरमेंट्स आपको मिलेगी यहाँ पे। यदि आप फ्रेशर हो तो आपको यहाँ पे ट्रेनी पोजीशन मिल सकता है प्रोडक्शन में, क्वालिटी में। नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो गांव से काम करके आए हैं या फिर कहीं और स्टेट से काम करके आते हैं। देखो क्या होता है, आप उस जगह पे अलग चीज़ का काम करके आए हो, यहाँ पे काम अलग है, तो आपका उस जगह का एक्सपीरियंस यहाँ कोई वैल्यू नहीं रखता है। यदि आप सेम काम करके आए हो तो ही आपको यहाँ पे वैल्यू मिलेगा और आपकी सैलरी बढ़ के मिलेगी। तो पहले लिस्ट में स्पाइको कंपनी है। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका गूगल मैप का लिंक डाल दूंगा, आप कंपनी में डायरेक्टली जा सकते हो। हमारे लिस्ट में जो दूसरी कंपनी है, इसका नाम है एडवांस टेक्नोलॉजीज, और ये भी हाई प्रेशर डाईकास्टिंग कंपनी है। यहाँ पे भी CNC वर्क होता है। ये कंपनी है चाकन में, बहुत ही अच्छी कंपनी। यहाँ पे आपको बस फैसिलिटी मिलेगी और कैंटीन फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है, तो आपको अपना खाना लेकर के ही जाना पड़ेगा। यदि आप चाहते हो तो कंपनी के आसपास भी रूम मिल जाता है, काफ़ी सस्ता जगह है उस जगह पे, जिस जगह पे ये कंपनी है। यहाँ पे 8 से 10 घंटे का काम होता है, ऑन रोल जॉब मिल जाएगी आपको बहुत ही आसानी से। इसके वहाँ पे 3 प्लांट्स हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैन पावर की हायरिंग है अभी, तो उसके 3 प्लांट्स है, समझ सकते हो, 3-3 प्लांट है एक कंपनी का।
तो हायरिंग बहुत ज़बरदस्त है, आप जाकर के ज्वाइनिंग कर सकते हो। कंपनी का मैं लोकेशन डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, जाकर के देखो और कंपनी में जाओ इंटरव्यू के लिए। और हमारे लिस्ट में तीसरी कंपनी है, तीसरा कंपनी का नाम है एसर दिनाटेक कास्ट। ये भी जो कंपनी है ये भी डाईकास्टिंग की है और यहाँ पे भी सीएनसी वर्क होता है। देखो जितने सारे डाईकास्टिंग की कंपनी है वो हर अपना कास्टिंग को मशीनिंग करती है, क्योंकि यदि वो अपनी कास्टिंग को मशीनिंग करने के लिए कहीं और भेजेगी तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगेगा उसको मशीनिंग का। तो हर एक डाईकास्टिंग कंपनी अपने लिए सीएनसी मशीन खरीद के रखती है मशीनिंग करने के लिए, उसके पास भी मशीन शॉप होते हैं। तो जहाँ पे डाईकास्टिंग होगा वहाँ पे सीएनसी वर्क होता ही है। हर डाईकास्टिंग जो अच्छी अच्छी कंपनी है वो अपना मशीन शॉप खुद ही रखती है, क्योंकि मशीनिंग कराने के लिए यदि किसी और कंपनी में वेंडर कंपनी में भेजेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट जाता है, तो कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। तो एक डिपार्टमेंट और कर देता है सीएनसी के लिए, सीएनसी मशीनिंग के लिए सीएनसी वीएमसी मशीन ला करके एक मशीन शॉप भी ओपन कर देता है। तो यहाँ पे भी सीएनसी के लिए और एचपीडीसी के लिए ट्रेनी और डिप्लोमा और बीटेक कैंडिडेट यहाँ पे लगते हैं, काफ़ी अच्छी कंपनी है। और हमारे लिस्ट में जो चौथी कंपनी है वो है जय हिंद इंडस्ट्रियल लिमिटेड, काफ़ी पॉपुलर, काफ़ी पुराना, काफ़ी नामी कंपनी, बहुत ही अच्छी कंपनी है ये। और यहाँ पे भी महीने में 2-3 टाइम तो रिक्वायरमेंट्स रहती ही है, और इसकी बहुत सारी प्लांट से मैंने सेपरेट इसके लिए वीडियो बनाया है। तो आपको क्या करना, आगोड़ी जाना है, चाहे आपकी क्वालिफिकेशन बीटेक हो डिप्लोमा हो, साथ ही साथ फोर्स मोटर में भी आप रिज्यूम डाल सकते हो। तो जय हिंद भी डाईकास्टिंग और मशीन शॉप और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं इसके अंदर, अभी तो यहाँ पे यूएस में भी इन्होंने अपनी कंपनी खरीद ली है, तो बहुत बड़ी ब्रांड है, आप गूगल कर सकते हो। और हमारे लिस्ट में जो पांचवी कंपनी है जहाँ पे एनी टाइम ऑन रोल जॉब मिलती है, आप कभी भी आ जाओ, सुबह उठ के, शाम उठ के, रात उठ के, आपको एनी टाइम ऑन रोल जॉब मिलेगी, वो है फ्लैश इलेक्ट्रॉनिक्स। देखो आपको यदि कहीं भी जॉब नहीं मिल रही है पुणे में तो 7:30 बजे सुबह उठ करके फ्लैश इलेक्ट्रॉनिक्स पहुंच जाना, आपको जॉब मिल जाएगी, 100% गारंटी है। तो आपको 100% जॉब इन 5 कंपनियों में मिल जाएगी आसानी से, ऑन रोल जॉब्स। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, यदि आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों तक हमारे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि जो लोग पुणे आ रहे जॉब सर्च करने या फिर जो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं पुणे में तो उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकती है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दे, फिर मिलते हैं।